साथी नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एबीएस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। एबीएस फार्मूला मिलता कहां है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलना है हमें फार्मूला टैब में, इंसर्ट फंक्शन में। यहां पे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड मिलेगा, इसमें आपको मैथ एंड ट्रिग मिलेगा, यहाँ पे एबीएस फार्मूला मिलेगा। तो इस फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे और इसके फायदे क्या है, आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो चलिए हम सबसे पहले तो यहां पे हम बनाते हैं मंथली बजट। मंथली बजट, फिर उसके बाद यहां पर हमने क्या बनाया, मंथ, कौन सा मंथ है। फिर यहां पे बनाया एक्सपेंस टाइप, किस टाइप का हमने खर्च किया। फिर यहां पे बनाया इनकम, बहुत सिंपल सा बनाता हूं। फिर बनाते हैं एक्सपेंस, कितना खर्च किया। फिर उसके बाद यहां पे हम बना देते हैं बैलेंस, तो ये हमने बना दिया। अब बनाने के बाद इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, जो फॉर्मेटिंग इसको अच्छा बना देगी। तो सबसे पहले तो हम मंथली बजट को सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में आके इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। फिर इसी तरह से हम इस एरिया को भी सेलेक्ट करते हैं, इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करके इसको बोल्ड करते हैं। और बोल्ड करने के बाद आप कॉलम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आप बड़ा या छोटा करना चाहें। तो ये हमने कॉलम को एडजस्ट कर लिया। अब ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम कर देते हैं बीचों बीच। कैसे होगा, सेलेक्ट करते हैं, यहां से हमने इसको सेंटर कर दिया होम टैब से। तो उम्मीद है इतना आपको आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई कलर वगैरह भी फिल करना है तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपको जो कलर चाहिए, जो आपकी मर्जी, वो कलर आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप इस एरिया पर भी कोई कलर ऐड कर सकते हैं जो आपको सही लगे, और टेक्स्ट का भी आप कलर अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फील्ड बन गया। अब महीना मान लीजिए नवंबर है, चलिए तो महीना है नवंबर। तो नवंबर को हमने क्या करना है, बस ऐसे एनओवी हमने करके छोड़ दिया, या आप पूरा नवंबर भी लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद, अच्छा यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हैं, किस डेट में, तो आप डेट लिख सकते हैं, डेट एक बना सकते हैं डेट। अगर नहीं बना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो आज, चलिए आज की डेट डाल देते हैं 1/11/2024। अब फिर इसको नीचे तक आप ड्रैग करके लेके आ जाइए, जैसे आप 30 तक बनाना चाहते हैं तो 30 तक ड्रैग कर लिया हमने, ये पूरा आ गया। फिर नवंबर को हमें क्या करना है, इस यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो अब ये नवंबर आपका बीचों बीच आ जाएगा, ये देखिए इसको सेंटर कर लीजिए, तो ये बीचों बीच आ गया नवंबर। अब एक्सपेंस टाइप, सबसे पहले तो 1 तारीख को मान लीजिए आपकी सैलरी आई और 1 तारीख को आपने कोई खर्च नहीं किया, तो उसको आप इनकम में डाल दीजिए। अगर आप 1 तारीख को भी खर्च कर रहे हैं तो एक सेल और बना सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट में, कि यहाँ पे आपने क्या इनकम करी, वो इनकम आप इस एरिया पर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, चलिए 1 तारीख को हमने कोई खर्च नहीं किया, मान लीजिए 15,000 रुपए सैलरी आ गई। अब फिर अब हम आ गए कहाँ पे, यहाँ पे इस एरिया पे इनकम हुआ 15। तो अब हमने क्या किया, इक्वल इस सेल को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो जो भी सैलरी आई वो यहां पे आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से एक्सपेंस टाइप, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आदमी खाने की ही चीजों को खरीदता है, तो जैसे इन्होंने खरीदा आटा, तो कितने का खरीदा, मान लीजिए 500 रुपए का, तो सॉरी ये 500 एक्सपेंस में जाएगा, तो 500। अब कितना बैलेंस बचा, तो इक्वल करना है, ये सेल को सेलेक्ट करना है, फिर माइनस लगाना है और इस सेल को सेलेक्ट करना है, मतलब बैलेंस में आपको माइनस कर देना अपना एक्सपेंस। तो अब बचा कितना, फिर 2 तारीख को इन्होंने क्या किया, 2 तारीख को इन्होंने बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल या जो भी बिल है, चलिए हम इसको कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ई बिल, तो यहां से बिजली का बिल, तो अब ये कितना 500 आया था। अब कंट्रोल डी दबा दीजिए तो ऑटोमेटिक माइनस होता चला जाएगा,
अब उसके बाद फिर यहां पे इन्होंने गैस गैस का पैसा दिया, तो गैस का कितना मान लीजिए 1000 रुपए दिया, तो बैलेंस क्या बचा। फिर उसके बाद अब इस एरिया पे आते हैं, यहां पे मान लीजिए इन्होंने फ्रूट्स खरीदे, फ्रूट्स खरीदे, ये कितने के 500 के फ्रूट्स खरीदे, तो कितना बैलेंस बचा। इसी तरीके से आप एक एक सामान आपके जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को आप यहां लिखते हुए चले जाएं। जैसे बाइक सर्विस, कितने का 1500 रुपए का, तो फिर उसके बाद बाइक सर्विस हो गया। फिर पेट्रोल के लिए निकाल लेते हैं, पेट्रोल भी एक महीने का पूरा पेट्रोल फुल कराते हैं, तो 7 तारीख को इन्होंने पेट्रोल फुल कराया, तो पेट्रोल फुल कराया तो कितने का 1000 रुपए का फुल होगा, तो ये लिख दिया 1000। अभी कितना बच रहा है, इसी तरीके से बढ़ते रहते तो मैं ज्यादा लंबा ना खींचू, तो इसको मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो मान लीजिए पेट्रोल हो गया, और एक चीज और हम कुछ कर देंगे जो थोड़ा महंगी होगी, मान लीजिए चलिए पेंटिंग, करा दिया इन्होंने घर का, तो इसमें कितना इनका खर्च हो गया, कितना 12000 रुपए। तो अब कितना बचा इनके पास, तो माइनस 2000 में आ गए। अब हम चाहते हैं सबसे पहला तो ये जो माइनस है ये माइनस हट जाए, तो माइनस हटाने का क्या तरीका है, देखिए एक तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आप माइनस में हैं, तो माइनस हटाने का एक तरीका ये है कि आप इस एरिया पे आ जाएं, मतलब यहां जहां आपने फार्मूला ऐड किया है यहां पे आप आ जाएं, माइनस लगाएं, और जितना माइनस है जैसे 2000 रुपए माइनस है तो 2000 का दुगना जितना होगा 4000, तो इसमें 4000 माइनस कर दें, तो सॉरी प्लस कर दें, 4000 प्लस करना है क्योंकि जोड़ेंगे तभी माइनस हटेगा। तो एक तो तरीका है ये माइनस हटाने का, दूसरा तरीका है कि आप एक फार्मूला टाइप करें इक्वल सम, फिर ब्रेकेट ओपन, फिर आपका ये जो बैलेंस है माइनस आपका जो एक्सपेंस है इंटर कर दीजिए, तो माइनस आ गया। अब इस माइनस को हटाने का तरीका क्या है, सिंपल सा, आपको क्या करना है यहां जहां सम लिखा है सम के सामने माइनस लगा के आप इंटर कर दें, तब भी ये माइनस हट जाएगा। लेकिन ये सारे फार्मूले तो मान लीजिए ऐसे ही लगाने के लिए हो गए, अब हम यहां पे इस माइनस को कैसे हटाएं कि आपका रिजल्ट भी, लेकिन हाँ एक बात ध्यान दे, एबीएस फार्मूला इस यहां पे नहीं यूज होगा, एबीएस फार्मूले को यूज करना है तो आपको किसी दूसरे प्लेस की जरूरत होगी, तो चलिए हम यहां पे यूज कर लेते हैं यहीं पे एबीएस फार्मूला, हमने लिख दिया। और अब हम आ गए इस एरिया पर, अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो माइनस लगा है इस माइनस को हटाना है, तो क्या करना है इक्वल टाइप करना है, यहां लिखना है एबीएस, लिखने के बाद फिर आपको ब्रेकेट क्लोज करना है, तो ब्रेकेट ओपन करना है, जिस सेल में आपका माइनस वाला सिंबल दिख रहा है उस सेल को सेलेक्ट करके ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे, तो यहां पे देखिए ऑटोमेटिक माइनस हट गया। तो ये बहुत आसानी के साथ अपने माइनस को हटाने के लिए एबीएस फार्मूला यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।